निरंतरता से ध्यान लगा कर ये आपको सीखना है, मैं आपको एक गाइड का काम कर सकता हूँ, लेकिन ये अभ्यास और अनुभव और लाभ किसको लेना है? आपको लेना है। अब मैं बता सकता हूँ कि भैया ऐसे करना है, विधि बता सकता हूँ, लेकिन एकाग्रता आपको बरतना है, तो आप कितना एकाग्र हो रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए, इसमें इतने बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ प्रभु से प्रार्थना कि सभी बच्चों में भाव आ जाए, लेकिन हम चाहेंगे कि जो बच्चा इसको सीख ले बढ़िया से, तो जीवन में कभी भी नीचे नहीं रह सकता है, हमेशा जहाँ भी रहेगा तो अपनी ऊंचाइयों पर उपस्थिति को, अपनी झंडा को बुलंद करके रख सकता है। हर क्षेत्र में होता है ना ऊंचाई तक जाना, तो हम वहां पहुंच सकते हैं केवल योग करके और अपने जीवन जीवनचर्या को शामिल करके ही, दूसरा कोई उपाय नहीं जीवन में। तो आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करते हैं। ये करिएगा आप लोग, 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट तो करिए, तब आए 5 मिनट के बाद ये शुरू होता है, इसीलिए आज मैं 10 मिनट करवाना चाहता हूँ। 10 मिनट तो प्रशिक्षण में बताया जाता है, केवल आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, ध्यान सांसों पर, सांस दिखाई पड़ने लगता है जब पूर्ण एकाग्र हो जाते हैं, तो धीरे धीरे 5 से 10 सेकंड तक सांसों को भरेंगे और इतना एकाग्र हो जाते हैं, इतना पवित्र हो जाते हैं कि हमें यह याद नहीं रहता है कि मुझे धूप लग रहा है कि छांव लग रहा है, कि वर्षा में हूँ कि जाड़ा में हूँ कि गर्मी में हूँ, कारण कि मैं स्थूल शरीर से धीरे धीरे ऊंचाइयों पर ऊपर उठने लगते हैं और आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी कम होने लगती है।